हैरी पॉटर मूवी का जो मेन मतलब डाइनिंग एरिया जहाँ पे सब लोग बैठ के खाते। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर 2023। आज है 1 जनवरी और हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। साल का पहला दिन जैसे जाएगा वैसे ही पूरा साल भर जाएगा। और यहाँ पे है जलीशा, जलीशा छुपी रहती है तो उसको थोड़ा सा लंबा पढ़ाई से पहला दिन शुरू किया है। हाँ, कॉलेज से 2022 को बाय बाय बोलकर हम लोग कदम रख चुके हैं 2023 में। साल का पहला दिन 1 जनवरी 2023। तो आज हम लोग आ चुके हैं, पीछे आप देख रहे हो ये है क्राइस्ट चर्च कॉलेज। और ये जो कॉलेज है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे हैरी पॉटर मूवी आपने सबने देखा होगा, हैरी पॉटर, और उसके बाद बहुत सारे वेब सीरीज, काफी सारे चीजों का शूटिंग यहाँ पे हुआ। स्पेशली हैरी पॉटर कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है इस पीछे वाले कॉलेज को, आप देख रहे हो। बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजें जुड़ी हुई है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सफोर्ड का एक कॉलेज है। हाँ। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ऑक्सफोर्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट कॉलेज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब टोटल 38 कॉलेजेस है यहाँ पे। इन सब कॉलेजेस से मिलके यहाँ पे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना है। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर 38 कॉलेजेस है और उसके मतलब उसमें से एक कॉलेज है ये क्राइस्ट चर्च। और आई थिंक ये बेस्ट कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज है ये। और यहाँ पे मतलब हैरी पॉटर जो मूवी आपने सबने देखा, हम सबने देखा है, तो उसका शूटिंग यहाँ पे हुआ है। जैसे कि डाइनिंग रूम और काफी कुछ स्टेयर्स हम लोग भी नहीं जानते, हम लोग भी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। तो हम लोग अंदर अभी जाने वाले हैं और इसके लिए हमने टिकट ऑलरेडी ले लिया। ऑनलाइन टिकट कितना पड़ा ये बता दो सर। 16 pound एडल्ट का पड़ा है पर एडल्ट। और चाइल्ड फ्रॉम 5 to 11 ईयर आई थिंक वो चाइल्ड के कैटेगरी में आते हैं, उन लोग 1 pound ही कम है, 15 pound। और बिलो 5 year ऑफ एज वाले सारे फ्री है। हाँ। तो जलीशा अभी 6 की हो गई है तो इसलिए हम लोगों को हाफ टिकट उसका लगा है। तो टिकट ऑनलाइन लेने के बाद यहाँ पर एक जगह में लिखा है ऑनलाइन टिकट रिडीम्शन, तो वो वाला बोर्ड भी मैं अभी वो अंदर जाके वो वहाँ रिडीम करना पड़ेगा। एक्चुअल टिकट देगा और उसके साथ वो मशीन भी देगा मतलब मोबाइल जैसे जिसमें हम सब सुन सकेंगे कि यहाँ पे क्यों फेमस है, कौन सी चीज, तो उसके बारे में। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो बोर्ड है उसमें लिखा है कि आप चाहो तो ऑनलाइन, जिसने नहीं खरीदा है तो यहाँ पर आके भी आप जाके टिकट जो है वो ले सकते हो अंदर। और उसके बाद वो थोड़ा प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, मेरे ख्याल से 3-4 pound एक्स्ट्रा पड़ता है उसमें। छोटा सा शॉप जैसा है तो काफी कुछ है। हम लोग भी नहीं मतलब गए हैं, बाहर बाहर से घूमे लेकिन कभी अंदर नहीं गए, तो आज इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो ये वाला साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोगों को भी मैं अंदर लेके जाने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में। बहुत कुछ देखोगे जो मूवी में देखे थे हैरी पॉटर की, वो सारी चीज शायद हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम टिकट को रिडीम करते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज के अंदर जाएंगे। चलो ऑनलाइन में 16 ऑन द डोर, यहाँ के खरीदोगे तो 18, तो महंगा पड़ता है इसलिए हमने ऑनलाइन कर लिया। ऑनलाइन टिकट काफी। तो मैंने तो पहन लिया है, ये देखो ये लगा दिया है, ये जलीशा भी पहन रही है। और इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये इस टाइप का मशीन दिया हुआ है इसमें सेटिंग का है। तो ये इंग्लिश में हम सुनना चाहते हैं, बाकी लैंग्वेज में क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश ही आता है इन सारे लैंग्वेजेस में से। तो ये हो गया फैमिली टूर, एडल्ट टूर, कौन सा लेना है? एडल्ट टूर ही होगा ना, स्टार्ट हियर। स्टार्ट हियर से अगर हम, और ये मैप है जिसे जाना है। इसमें अलग अलग दिया हुआ है तो जो प्रेस करेंगे उसके बारे में बताएगा ना, एक प्रेस करके देखते हैं। तो हम लोगों का टाइम स्लॉट जो है 2:30 बजे से है, तो अभी 2:30 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो हमने पहले ही ले लिया ये। और अभी वेट कर रहे बाहर, थोड़ा बहुत फोटो खींचेंगे और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे कॉलेज के। वो बड़ा वाला जो गेट आपने देखा उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं और ये क्राइस्ट चर्च के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। वहाँ पे बेसिकली वो लोग ये वाला देखेंगे, दिस इज योर टिकट,
दिस इज एज योर टिकट, मतलब ये टिकट के जैसे ऐड करेगा, ये आपके गले में है, यानी कि आपने टिकट ऑलरेडी बाय किया है तभी आपको ये मिला है. आवाज नहीं करना है जोर से. आज तो वैसे 1 जनवरी है, मोस्टली सबकी छुट्टी होगी, बट स्टिल कुछ लोग होंगे जो वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे टाइप के, तो इसलिए ज़्यादा जोर से आवाज़ नहीं करना है. तो वहाँ से एंट्री करके अब हम लोग जा रहे हैं इस एरिया में. पीछे सीढ़ी आप देख रहे हो, यहाँ पे हैरी पॉटर मूवी की शूटिंग हुई थी, जो स्टेयर्स दिखाया था. यहाँ की जो सीलिंग आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इसका. और इसके सीलिंग में जो ये छोटा छोटा सा इधर इधर है, ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज का बैच है, जो कि काफ़ी मतलब कई साल पहले इसको यहाँ पर ऐसे लगाया गया था, वहाँ पर ग्रैंड हुआ था मतलब उसका बैच इस कॉलेज का. तो चलो आगे चलते हैं. और आगे है डाइनिंग एरिया, जो हैरी पॉटर मूवी का जो मेन मतलब डाइनिंग एरिया जहाँ पे सब लोग बैठ के खाते थे, तो वो वहाँ पर है, उसको चल के देखते हैं. तो है मेन हॉल की तरफ जाता है डाइनिंग एरिया जो है, तो डाइनिंग एरिया चल के देखते हैं. यहाँ के स्टूडेंट सब पहले भी और अभी भी यहाँ पर खाते थे, सारे अभी भी यूज़ होता है खाने के लिए. डाइनिंग एरिया हैरी पॉटर मूवी में जो दिखाया था, और यहाँ पे ये स्टिल दिस इज़ वर्किंग. यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व किया जाता है यहाँ के स्टूडेंट एंड यहाँ के स्टाफ के लिए. हेनरी द एट्थ ये इन्होंने ही बनाया था ये पूरा क्राइस्ट चर्च. उसके बाद वो जो है वॉल्सी, उन्होंने इसका नाम क्राइस्ट चर्च रखा बाद में. यही मेन है. ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, क्राइस्ट चर्च कॉलेज सिर्फ नहीं है, ये एक कैथेड्रल भी है, मतलब काफ़ी बड़ी बात है. ओरिजिनली वॉल्सी जो थे वही फाउंड किए थे इस चर्च को, मतलब इस कॉलेज को. और उसके बाद फिर वो जब डाउनफॉल हुए, उनके बाद फिर हेनरी द एट्थ इन्होंने फिर रीफाउंड किया, और इसका नाम फिर क्राइस्ट चर्च है. ओके, देखो ये बेल है. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीन टाइम दिया जाता है. तीन टाइम? हाँ. एक तो 6:30 बजे बोलते हैं शाम को. यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं ये वाले जगह. हाँ, ये स्टिल वर्किंग है, यहाँ पे अभी भी सर्व होता है एवरीडे. तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठते हैं इस साइड में, इस साइड में, और ये वाले जगह में सीनियर मेम्बर्स लोग बैठते हैं, यहाँ के स्टाफ्स लोग. वहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा बफे
है बफे सिस्टम, वहाँ प्लेट्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि सारे प्लेट्स हैं, सारे फूड यहाँ पे रखे रहते हैं, यहाँ से लेके बफे सिस्टम यहाँ पे बैठना रहता है। जो हॉल अभी दिखाया मैंने वो 100 साल से भी पुराना है, डाइनिंग रूम जो है 100 साल से अभी भी स्टिल उसका यूज़ हो रहा है। तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग जा रहे हैं नो पील डोर के पास। काफ़ी हिस्ट्री है इस दरवाजे के पीछे भी, क्यों इसमें नो पील लिखा गया था ये सारी चीज़ आप गूगल करके पढ़ लेना। और यहाँ पर भी हैरी पॉटर मूवी की शूटिंग हुई थी इस दरवाजे के सामने। 200 साल से भी पुराना है जब इसमें कीले ठोक कर लिखा गया था नो पील। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं टॉम क्वाड। टॉम क्वाड यानी कि बेसिकली चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ है, बीच में लॉन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग चलते फिरते हैं। और कितना प्राउड फील करते होंगे ना इस जगह में आके, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। टॉम टावर के नाम से इस जगह का नाम पड़ा है, टॉम क्वाड। टॉम टावर जो ये सामने देख रहे हो, एक लंबा सा मिडल में लंबा सा बिल्डिंग, उसमें एक बड़ा सा बेल लगा है जो एवरी आवर बजता है। 3 बज रहे हैं इसलिए 3 बेल बजा। तो ये जो पीछे देख रहे हो जगह, इसको बोलते हैं टॉम क्वाड। और यहाँ पे हम लोगों को वो सेंटर वाला जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ठीक मेरे पीछे, उसके उस साइड में सारे स्टूडेंट्स लोग रहते हैं। और उधर जाने को किसी को भी अलाउड नहीं है, विजिटर को अलाउड नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट लोग जा सकते हैं। और ये जो टॉम टावर है ना, इसका जो बेल है रात को 9:05 में ना 101 बार बजता है। हैरी पॉटर फिल्म के लोकेशन के साथ साथ ये एलिस इन वंडरलैंड से भी रिलेटेड है। क्राइस्ट चर्च, कई 100 साल पहले, शायद तब ये क्राइस्ट चर्च बना भी नहीं था, तब यहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एलिस। जो बचपन में हमने कहानियाँ पढ़ी थी ना एलिस इन वंडरलैंड, वो एक्चुअली रियल है। और वो एलिस नाम की लड़की यहाँ पर रहती थी और उसी से बना था एलिस इन वंडरलैंड। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं कैथेड्रल के अंदर, क्राइस्ट चर्च कॉलेज कैथेड्रल के अंदर। बहुत ही खूबसूरत सा चर्च है और इस चर्च में भी काफ़ी सारी शूटिंग हुई है हैरी पॉटर की। और यहाँ पर काफ़ी सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है इस चर्च में भी, काफ़ी सारे दरवाजे हैं जिसमें अलग अलग टाइप की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल सिर्फ कैथेड्रल ही नहीं है, बल्कि ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज का चैपल भी है। हर साल 500,000 से भी ज़्यादा लोग क्राइस्ट चर्च कॉलेज को विज़िट करते हैं। कई 100,000 लोग क्राइस्ट चर्च के कैथेड्रल पर आके विज़िट करते हैं, प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, यहाँ के बाइबल्स को रीड करते हैं, या फिर यहाँ पे आके जो एक अलग सी शांति है ना उसे एंजॉय करते हैं। ट्वेंटी के साल का पहला दिन जीसस क्राइस्ट के पास कैंडल जलाने से हमने किया, बहुत ही अलग सी शांति और बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था। और ऑक्सफोर्ड का ये क्राइस्ट चर्च बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर आप गूगल करोगे तो सबसे टॉप कॉलेज में इसका नाम आता है। हैरी पॉटर फिल्म की शूटिंग पूरे क्राइस्ट चर्च में ही अलग अलग लोकेशन पर हुई थी। और ये जो 3 विंडो है इसके पीछे भी काफ़ी सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और सब सारे विंडो के अलग अलग नाम भी है जो शायद पूरा अभी मुझे याद नहीं है, बट उस समय मैंने डिटेल में सुना था उस छोटे से डिवाइस में। काफ़ी सारा टाइम हमने कैथेड्रल के अंदर बिताया, सच में बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आके। सो ये वाला जो जगह है ये है क्लोस्टर, और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सुंदर बिल्डिंग्स है सारे। यहाँ पे इस गाइड में लिखा हुआ है कि ये जो है वो जगह है जहाँ पे मॉन्क लोग आके बैठते थे, फ्रेश एयर लेते थे, शायद मेडिटेशन भी करते थे, और इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आके उन लोग बैठ के बुक्स वगैरह भी रीड करते थे। मतलब काइंड ऑफ फ्रेश एयर के लिए, थोड़े मतलब अपने आप में टाइम स्पेंड करने के लिए ये वाले जगह में आके उन लोग बैठते थे। अभी हम लोग जा रहे हैं फेल टावर के अंदर। जेलिशा, देयर इज अ बिग क्रिसमस ट्री एंड यू सी ओके सो ये है लाइब्रेरी जहाँ पे ओनली स्टूडेंट्स आर अलाउड, वी आर नॉट परमिटेड टू गो इनसाइड। और इसके अंदर बुक्स है और बच्चे लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं। काफ़ी चलने के बाद अब थोड़ा सा आके बैठे हैं, ये वाला जगह बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे जिन लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग कितने लकी हैं,
और उनके मम्मी पापा लोग भी कितना मेहनत करके बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे होंगे, और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना इसलिए नाक बंद हो रहा है मेरा। यहाँ पे जितने बच्चे लोग हैं और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग ऑक्सफोर्ड में रहते हैं, जिनको भी हिंदी भाषा समझ में आती है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और अच्छे से पढ़ाई करो, मम्मी पापा का नाम, घर वालों का नाम रोशन करो। 2023 हम सबके लिए बहुत खुशियों भरा हो, सक्सेसफुल हो, सबकी ज़िंदगी में सक्सेस आए। मैं बस वो फील करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन लोग यहाँ पे पढ़ते हैं उनको कैसा फ़ील होता होगा, और एक जगह मतलब उस साइड वाला जो जगह है जो मैं सोच रही थी जाऊँगी, बट फिर गार्ड ने आके बोला कि नहीं वो वाला जगह अलाउड नहीं है, बिकॉज़ वो वाले जगह में सिर्फ स्टूडेंट्स लोग हैं, और यहाँ इस कॉलेज के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लोग रहते हैं यहाँ पे, रह के वो लोग पढ़ते हैं। टूरिस्ट प्लेस तो है ही साथ में, मतलब यहाँ पे आओ तो समझ में आता है कि हाँ भैया ऑक्सफोर्ड है, जिसकी डिक्शनरी हम लोग बचपन से पढ़ के बड़े हुए हैं। कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स कितने साल पुराने हैं, कितने सारे लोग हमारे मतलब जो बड़े बड़े महान लोग हैं वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। अब हम लोग हैं एग्ज़िट वाले रास्ते में, यहाँ से निकलने का है, हम लोग अपना ये सब ड्रॉप ऑफ करेंगे और निकल जाएंगे। बहुत अच्छा घूमे, बहुत अच्छा लगा क्राइस्ट चर्च कॉलेज घूम करके, और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हमने लिया, तो मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप ऑक्सफोर्ड विज़िट करने आ रहे हो तो इस जगह को ज़रूर घूमना, बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब हम लोग निकलते हैं, और आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आने से क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। चलो दे देते ना ये फोन, देती है ये लो।